हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम आ गए हैं यहाँ अपने गार्डन में, यानी कि अपनी बगीचे में। वहाँ पर खेत रोपा गया है, सब बारिश नहीं हो रही है तो लोग बोरिंग से पानी करके खेत को रोप रहे हैं। और आज यहाँ पर मैं इसलिए ये ब्लॉग बना रहा हूँ, आज के दिन कुछ सुहाना दिख रहा है, ऐसा लगता है कि बारिश आने वाला है। ऐसा मौसम आपको भी देखने को मिल रहा होगा। सो चलिए मौसम को स्टार्ट करते हैं। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं हम कहाँ हैं। यहाँ एक पेड़ के जो डाल हैं उसको काट कर सूख गया था, तो यहाँ से उस पेड़ को हटा दिया गया है, तो वही हैं। और इस नज़ारा को हम आपसे शेयर करने की प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन कुछ मैं इसके पीछे की खैसियत बताता हूँ। जहाँ पर अभी हम थाड़ हैं तो थोड़ा बैलेंस करके, वरना गिर भी सकते हैं। तो देखिए, अभी ये जो जिस जगह को हम लोग देख रहे हैं, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये सब आज के टाइम पूरा खेत बन गया है। एक टाइम हुआ करता था कि लोग कहते थे, जो हमारे एंसेप्टर हैं, जो पूर्वज हैं, कि यहाँ इतना ज़्यादा पेड़ था कि लोग यहाँ से इस जगह से उस जगह तक जाने के लिए लोग डरते थे। लेकिन आज पेड़ इतना कट गया है, पेड़ इतना आंधी में टूट कर कबर कर सब उधिया गया है, समझ जाओ कि आज के टाइम डर भय सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़, पेड़ की जनसंख्या भी कम हो गया। लोग जितना पेड़ लगा नहीं रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग पेड़ को काट रहे हैं। सो इस बात के भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि हम इन्वायरमेंट को साफ सुथरा, अगर शुद्ध ऑक्सीजन लेना चाहते हैं, तो हमारे लिए पेड़ की ज़रूरत पड़ेगा और हमें लगाना चाहिए। दोस्त, इसी के सिलसिला में मैं एक आपसे कहानी शेयर कर देता हूँ। देखिए, मुझे उस साइंटिस्ट के नाम नहीं याद हैं, लेकिन वो कहानी हमें अच्छे से याद है। जब हम 10 क्लास में पढ़ रहे थे, तब हमारे टीचर ने ये बताए थे कि एक बार एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक छोटा सा संदूक जो ग्लास का था, उसमें एक चूहा को रखा और उसको एक तरीके से खाना देने के लिए उसमें कोई जगह बनाया था, और वो लगातार खाना देते रहे उस चूहा को। लेकिन वो चूहा 2 से 3 दिन में अपने जान को त्याग दिए लगभग। लेकिन उसी कंटेनर में फिर से साफ सुथरा करके एक चूहा को रखा, प्लस में एक पेड़ को भी रख दिया, और उससे सूर्य के प्रकाश उस पेड़ पर पड़े इसके लिए कोई उपाय लगा दिया था। और तब उस चूहे को खाना दिया गया, उसमें जो चूहा था रखा गया था, फिर से उस चूहे को खाना दिया गया, तो प्रॉपरली वो चूहा लगभग 1 सप्ताह तक जिंदा रहा, मतलब कि वो मरा नहीं। तो यहाँ सीखने लायक बात ये है कि आज के टाइम एक इंसान के लिए एक पेड़ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक पेड़ के पास हजारों लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए एक पेड़ काफ़ी है। लेकिन हम लोग अपने फायदे के लिए पेड़ को नुकसान कर रहे हैं, उस पेड़ को काट दे रहे हैं, उस पेड़ को उखाड़ दे रहे हैं और उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने की प्रयास करिए। बस इतना ही। आज के ये जो मौसम है, काफ़ी बेहद ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि वो जो आसमान, वो क्लाउड जो दिख रहा है ऊपर वाइट, उसके बारे में भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ कि बादल एक्चुअली में आइस होता है, और वो आइस ही है जो आसमान में आपको दिखने को मिल रहा है। सो चलिए, तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। जय हिंद।